आज मैं आपको भारत पे के बारे में बताऊंगा कि एक क्रेडिट लिमिट, क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिलती है या नहीं मिलती, क्योंकि मैंने 2 महीने पहले अप्लाई किया था पर मुझे क्रेडिट लिमिट नहीं मिली थी। बट मुझे लोन तो मिला था इसमें, मुझे लोन मिला था, एक ये मुझे 5100 रुपये का लोन प्रोवाइड मिला था 10 दिन पहले, पर मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी इसलिए मैंने इसको नहीं लिया। उसके बाद मैंने 10 पेमेंट मैंने बारकोड से एक्सेप्ट करी अलग अलग, उसका मतलब अलग अलग मोबाइल से। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को 15 दिन बाद ही उन्होंने मुझे क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी प्रोवाइड कर दी। जो उन्होंने मुझे क्रेडिट कार्ड की लिमिट प्रोवाइड करी है वो करी है मेरे को उन्होंने 5000 रुपये की। इसको मैं अभी भी एक्टिवेट कर सकता हूँ इस पर मेरे को अभी इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पे ऑलरेडी पहले ही कई कार्ड चल रहे हैं। यही मैं आपको बताना चाहता था, मतलब कि इसकी 5000 की लिमिट मेरे को उन्होंने दी है। 2 मंथ पहले मेरे पे कार्ड आया था पर उस टाइम लिमिट 0 थी। अगर आपको भी इसकी लिमिट चाहिए तो आपको 1 मंथ मतलब 1 मंथ में कम से कम 10 ट्रांजेक्शन मतलब अपने बार कोड से पेमेंट लेनी है। अगर वो पेमेंट लोगे तो आपको भी इसकी लिमिट प्रोवाइड हो जाएगी। और लोन भी ऑटोमेटिक ही आपको, अगर आप अच्छे से इसको यूज करेंगे या अच्छे से इसको यूज करेंगे तो आपको भी प्री अप्रूवल लोन ऑफर मिल जाएगा, जैसे मुझे 5100 का मिला है। अगर ऐसी ऐसी वीडियो, अच्छी अच्छी वीडियो लोन की, मतलब जो ईएमआई और सिर्फ ईएमआई की वीडियो और सिर्फ 1 मंथ मतलब उसकी वीडियो मिलती है, ना कोई 7 दिन की ना कोई 15 दिन की, जो आपको वीडियो आएगी वो ईएमआई के ऊपर ही मिलेगी। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।